नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई विरार मनपा आयुक्त ने एक बार फिर जनप्रतिनिधियों को किया अपमानित। सामाजिक कार्यों की मांग पर ठेंगा दिखाकर निकल पड़े कार्यालय से। आज मानवीय हक दिवस के दिन वसई विरार मनपा के अब तक के सबसे नकारा आयुक्त ने वसई विरार मनपा की आम जनता का हक देने के बजाय जनप्रतिनिधियों को ठेंगा दिखाया। आपको बता दें कि वसई निवासी कांग्रेस पार्टी पर्यावरण सेल के महाराष्ट्र अध्यक्ष समीर वर्तक एवं उनके कुछ सहयोगी का एक प्रतिनिधि मंडल सालों से प्रलंबित अपनी कुछ सामाजिक मांगों को लेकर वसई विरार मनपा आयुक्त गंगा तरण डी के कार्यालय पहुंचा, जहां आयुक्त ने इस प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात हेतु समय दिया एवं अपने कार्यालय में बुलाया, जहाँ इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर चर्चा शुरू की। तब ना जाने आयुक्त को क्या हुआ, अचानक से चर्चा को बीच में छोड़कर मुलाकात हेतु आए जनप्रतिनिधि मंडल को यह कहकर कि तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, खुद बाहर निकल, अपने कार्यालय के सिपाही को इन लोगों को बाहर निकालो, ऐसा आदेश देकर निकलकर चले गए। ऐसा आरोप समीर वर्तक ने लगाया है। समीर वर्तक ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो भी वायरल किया है, जिस पर हमने समीर वर्तक से फ़ोन के माध्यम से बात की और जानकारी ली, जो आप आगे सुनेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि हमने आयुक्त से फ़ोन पर संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए, मगर आयुक्त से संपर्क नहीं हो पाया। यह घटनाक्रम होने के समय समीर सुभाष वर्तक अध्यक्ष पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मैकेंजी डाबरे, पर्यावरण विभाग प्रदेश सचिव टोनी डाबरे, अम्मार पटेल, आमिर देशमुख, वसई विरार जिला कांग्रेस के पर्यावरण विभाग जिला अध्यक्ष डेरिक फोर्टडो, कांग्रेस नेता हर्षद खड़ांगले, तारिक खान और दर्शन राउत, इतने लोग उपस्थित थे। आयुक्त के इस तरह इतने लोग उनके कैबिन में बैठे होने के उपरांत निकलकर चले जाने से आज सभी उपस्थित लोग वहीं बैठे रहे। तब मनपा प्रशासन ने विरार पुलिस तक को मामले की जानकारी दी और कुछ पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे। बाद में मनपा प्रशासन ने अपनी होती किरकिरी से बचने के चलते मनपा अतिरिक्त आयुक्त संतोष जरेकर के हाथों इन जनप्रतिनिधि को एक पत्र सौंपा, जिसमें आयुक्त को मंत्रालय से संबंधित किसी आवश्यक मीटिंग में जाने की बात लिखी गई थी। साथ ही आए हुए सभी लोगों को अगले शुक्रवार को आयुक्त से मिलने का समय दिया गया, जिसके बाद उपरोक्त सभी लोग वहां से गए। यह पहली बार नहीं है जब आयुक्त गंगाधरन डी ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपमान किया हो। इससे पहले भी मनसे नेता अविनाश जाधव, रिपब्लिकन पार्टी के गिरीश दीवान जी आदि के साथ भी कुछ इसी तरह की घटनाएं घटित हो चुकी है। देखिए सेफ न्यूज लाइव की यह पूरी रिपोर्ट। वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या आयुक्त कार्यालयामध्ये बसलेलो आहोत। सामाजिक विषयातील सर्वधर्मीय दफनभूमी, 69 गावांना पिण्याच्या पाण्याची योजना, त्याचप्रमाणे परिवहन सेवा आणि एसटी महामंडळ, तसेच सातत्याने बुडणाऱ्या वसईवरती आयआयटी नेरीप्रमाणे उपाययोजना करण्यासंदर्भात चर्चेसाठी बसलो असता आयुक्तांनी स्पष्टपणे चर्चा करण्यास नकार देऊन तुम्हाला यातलं काहीही मिळणार नाही असं सांगून चर्चेतून निघून गेले। त्याचप्रमाणे सिक्युरिटीला आम्हाला बाहेर काढण्यासाठी सांगितलेलं आहे। हा बोलिए ना समीर सर। नमस्कार। नमस्कार समीर सर, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम समीर सुभाष वर्तक है और मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण विभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम लोग वसई में पर्यावरण संवर्धन समिति के माध्यम से विविध सोशल काम यहाँ पर करते रहते हैं। अभी अभी आपने एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाला है, वो क्या विषय बताइए? विषय ऐसा है कि पिछले कई सालों से वसई विरार में अल्पसंख्यक समाज के लिए जो कब्रस्तान और दफन भूमि की जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने 2013 में मैंने खुद ने उपोषण किया था, उसके बाद हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, फिर भी कब्रस्तान और दफन भूमि का काम हो नहीं रहा है। उसी में हमारे जो 69 विलेजेस है वहां पर पीने का पानी का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग कंटिन्यूस आंदोलन कर रहे हैं,
बाद में परिवहन सेवा, एसटी महामंडल और डूबने वाली वसई, इसके बारे में पिछले साल दिसंबर में हम लोगों ने उपोषण किया था। तो उपोषण के तीसरे दिन महानगर पालिका ने हमें आश्वासन दिया था रिटर्न में, तो उसके बारे में हम लोग साल भर में कंटिन्यूस कमिश्नर साहब से मिलते आ रहे थे, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करने के लिए जैसे ही आयुक्त साहब के पास आए तो आयुक्त साहब हमें बोले कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम निकल जाओ यहाँ से, ऐसा बोल के फिर वो खुद ही चले गए अपने ऑफिस से, चर्चा ही नहीं किए, निकल गए हमारे, वो खुद के ऑफिस से निकल गए। इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या क्या पता है? कुछ मैंने उनको बोला कि सर्वधर्मीय दफन भूमि जो पर्यावरण का वहां पर कुछ परमिशन भी आया है वो चालू होना चाहिए, तो उसके बाजू में साइकिल ट्रैक बन रहा है, अगर साइकिल ट्रैक इतने फास्ट बन रहा है तो दफन भूमि क्यों नहीं बन रही है? बाद में जून में हमें पीने का पानी देने का आश्वासन उन्होंने रिटर्न में दिया था, तो अभी तक पानी नहीं आया। बोलते तुम हमें पूछने वाले कौन होते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बोल के निकल गए। आप एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसको बिलोंग करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपके साथ में अगर आयुक्त इस तरह से बात करते हैं अभी तो इस पे क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए हमें बताइए। देखिए आज जागतिक ह्यूमन राइट्स डे है, मानवीय हक का दिन है। आज एक भारतीय नागरिक संविधान ने हमें जो हक दिया है उसके तहत हम लोग इनको मिलने के लिए आए हैं, लेकिन बात ही नहीं की और खुद का ऑफिस वो खुद ही छोड़ के चले गए हैं, अभी क्या बोलेंगे इसमें? ये हमारे लिए भी ये आश्चर्यजनक बात है कि इसके ऊपर हम क्या करें, हमको धक्के मार के निकाल देते, हमारे पास FIR हो जाता, कुछ होता, तो बस बात, हम तो चर्चा करने के लिए आए थे। ऑफिशियली उनके पास मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड भेजा, उन्होंने हमें बुलाया, चर्चा शुरू होने के 2 मिनट में ही वो उठ के चले गए। अच्छा, पिछले 2 साल से जब से आयुक्त साहब आए हैं तब से आयुक्त साहब ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया है, या पत्रकारों को भी अपने यहाँ होने वाले किसी काम के बारे में नहीं बताया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए मैं साल भर में यहाँ पर कम से कम 10-12 बार आया रहूंगा, मेरा तो सोशल का ही काम है, तो अभी तो कुछ काम पूरा ही नहीं हुआ है, तो अभी देखेंगे इसके ऊपर हम लोग अभी क्या करेंगे। अभी मैं तो खुद अभी पुलिस कमिश्नर को जाके मिलने वाला हूँ कि हमारे वसई वालों का ये लोगों ने फंसाया है आयुक्त साहब ने, तो आयुक्त साहब के ऊपर गुनाह दाखिल करो, मैं खुद ही मांग करने वाला हूँ अभी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास, ये ऐसा थोड़ी चलता है। और आज मानवीय हक का दिन है, इसमें हमें इस तरह की अगर बर्ताव हमसे कर रहे हैं तो बहुत अपमानास्पद बर्ताव करके, लेकिन वो खुद निकल गए, ये आश्चर्यजनक बात है। तो इसके आगे आपकी रणनीति क्या रही? अभी क्या हम ये सोच रहे, अभी हम ही खुद आश्चर्यचकित हो गए कि अभी करेंगे क्या। मांग क्या है आपकी प्रशासन से? मांग तो देखिए अपना सर्वधर्मीय दफन भूमि के बारे में एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा है वो हमें उन्होंने ठीक से बताना चाहिए। पीने का पानी का जो समस्या है, 69 विलेजेस का जो प्रोजेक्ट है वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमसे चर्चा करनी चाहिए। हम लगातार पूछ रहे कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, तो हमें वो पानी कैसे मिलेगा, आप कैसे देंगे, उसके बारे में हमसे चर्चा तो करनी चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।